सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। भाइयों आज के वीडियो में ना मैं आपको कुछ मैकेनिकल इश्यूज समझाऊंगा गाड़ी के अंदर जो आ रखे हैं। मैंने इसके फ्रंट की शॉकर चेंज करवा ली है बट इसमें अभी भी एक आवाज़ है गाड़ी के अंदर जो चलते हुए आपको सुनाई में आएगी और इसके बाद मैं गाड़ी रोकूंगा। उसके बाद भी आपको ना एक बार गाड़ी पे हिला हिलू का आपको आवाज़ दिखाऊंगा गाड़ी में। अभी आवाज़ सुनाओ गाड़ी चलने पर। ये आवाज़ आ रही है ना जो, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही मेरे को। ये इसकी आवाज़ है, आता मुझे लगता है लिंक रोड की। ठीक है तो इसकी लिंक रोड का काम करवाएंगे हम लोग। सुन रहे हो आवाज जो आ रही है? यस, ये जो आवाज़ है आप सुन रहे हो ये लिंक रोड की आवाज़ लग रही है इसकी। बाकी ये देखो इसकी स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आएगी। तो ये आवाज़ है जो कि मुझे इसके अंदर से हटवानी है, तो उसके लिए हमको इसकी लिंक रोड जो है करानी पड़ेगी चेंज। एसी को बंद कर दिया सर? अरे आवाज़ नहीं आ रही थी नहीं तो। बाकी देखो शॉकर्स वगैरह ओके, देखो गड्ढों में से निकल भी आराम से रही है ना। बाकी मेन तो इसके ये जो आवाज़ आ रही है यही है, इसकी लिंक रोड करवाते चलो। और ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है, सस्ते में ही हो जाता है। हर गाड़ी का सस्ता जाता है, ऐसा नहीं कि पोलो का ही सस्ता आ रहा है, हर गाड़ी का सस्ता ही आता है सामान। चलो सुन ली होगी तुमने आवाज क्या हुई, और हेडफोन्स लगा के सुनोगे ज्यादा अच्छे समझ में। नहीं यार कुछ जेन्युइन सुना रहा हूँ आवाज, ताकि ना तुम्हें ये पता रहे कि हाँ कि तुम्हारी गाड़ी में भी अगर ये आवाज आ रही है तो तुम्हें क्या पार्ट चेंज करवाना है। ठीक है ज्यादा नहीं आ रही तो इसकी वजह से हमें काम करना पड़ेगा। अब इसका ये देखो जब भी आप लोगों को ये वॉइस आए मिले या कुछ भी हो तो लिंक रोड का काम करवा लेना अपनी गाड़ी में, चाहे कोई सी भी गाड़ी आप ओन करते हो। ठीक है सिर्फ पोलो की बात नहीं हो रही है, सारी गाड़ियों में अगर इस तरीके की आवाज़ अगर आप आवा रही है लिंक रोड का काम करवा लेना। लिंक रोड का काम होता है बेसिकली स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है जो हमारे टायरों के साथ अंदर चिमटे पर अटैच होती है, तो उसको आगे मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी आवाज़ सुनो पहले, ये ना आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ तो खैर रहेगी। और मेरे शॉकर्स भी ठीक है, मैंने शॉकर्स चेंज करवा रखे हैं, नए शॉकर हैं, बट ये आवाज़ है हमारी बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आती है, तो इससे लगता है यानी क्या दिक्कत है गाड़ी के अंदर। सुन रहे हो आवाज़ इतनी इरिटेटिंग सी आ रही है जो है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने अशोक विहार की मार्केट में। पीयूष के साथ पीयूष लेकर आया मैं यहाँ पे कि चलो अपना लिंक रोड काम करवा लेते हैं। इसकी ना आवाज़ ना बहुत इरिटेटिंग लगती है चलाते हुए, पूरी गाड़ी साइलेंट होती है पर ये आवाज़ इरिटेट करती है। तुम्हारे पीछे से वो पटाखे तो बहुत वो अच्छी आवाज़ है पर ये जो घर 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 आवाज़ आती है ना बहुत इरिटेट करती है। तो चलो लिंक रोड इसकी चेंज करते हैं फाइनली, आज टाइम मिल गया तो इसकी लिंक रोड हम चेंज करें। एक साइड की तो टूट भी गई है इसकी, वह हमारा टायर तो बाहर आ गया एंड ये अमनी है, ये हमारी एलन की। अच्छा भैया का नाम क्या है? महेंद्र भैया एक बार यहाँ देख के बता दो एलंकी का पता कैसे चलेगा खराब है। ये जो लिंक रोड है ना भैया, हाँ इसके बूट फटे हुए, ये देखो ये बूट फट गया। अच्छा क्या है, पानी चलाया था बरसातों में जब जाते हैं। हाँ हाँ सही कह रहे हो, बारिश के बाद ही सूख जाती है और टर 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 वो आवाज आती है। ठीक है आपने शॉकर तो डलवा के, लेकिन उसी टाइम लिंक रोड डल जाते तो और बेटर रहता। ठीक है तो मतलब ये बारिश में जा रहे, बारिश में बेसिकली उसी। अच्छा अच्छी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हम तो इसमें क्या कहते हैं लिंक रोड चेंज करवा रहे हैं, बट अगर इसमें ग्रीसिंग करेंगे तो काम चल सकता है क्या? नहीं वो टेम्परेली है, दो दिन तीन दिन के लिए बंद हो जाएगी। ओके फिर उसके बाद दोबारा आ जाएगी। तो भाई देख लो टेम्परेरी काम में ग्रीसिंग लगा रहे ना, अदरवाइज आप ज्यादा महंगी आइटम भी तो नहीं है ना ये, कि मतलब कोई बंदा अवॉइड करे ना भाई, कि महंगी आइटम है ही नहीं। और पता है क्या सस्ती आइटम, वैसे भी यूट्यूबर अगले सस्ती होती है। अरे रहने दो ये मैं काट दूंगा ये पोर्शन काट दूंगा मैं। तो अब इसके अंदर से एलंकी सॉरी लिंक रॉड डलेगी, लेट्स सी। उसके बाद आवाज बंद हो जाएगी और छोटी सी चीज है और इतना इरिटेट करती है जिसे कोई याद नहीं है। चलो ये देखो ये बूट फटे हुए ना पहले तो, हाँ सही में, हाँ ठीक है ना, ठीक है। इसको पकड़ के हम चला रहे हैं, आप इसको हाथ पे फील करोगे और ट्र ट्र कर रहे हैं। अच्छा फील होगा, आप हाथ करो, हाथ लगाओ, चलाओ इसको।
सही कह रहे हो, ये मतलब जाम सी कह सकते हैं। हाँ भाई तुम्हें तो देख के मेरे भरोसा करना पड़ेगा, आवाज तो वैसे नहीं आ रही बट वो फील हो रहा है कि काफी हार्ड चल रहा है, तो उसकी वजह से उस पर दिक्कत है। चलो चलो, ये हमारी है लिंक रोड, ठीक है। ये देखो ये बहुत हार्ड है सारा, ये हार्ड जाम हो गए, जाम भी। अच्छा वैसे होता कैसे, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है? अच्छा ये होगा हार्ड ही लेकिन सॉफ्ट होगा बिल्कुल, ये रुकेगा नहीं। अच्छा नया पीस आएगा दिखा दे, बाकी पैक्ड होगा पूरा। ये देखो ये पूरा पैक्ड भी होगा, ये लो भैया। तो बहुत पहले है यार, बहुत प्यार से चल रहा है, आराम चल रहा है ना, कोई आवाज भी नहीं कर रहा, मतलब हार्डनेस फील नहीं हो रही ना। ये देखो ये अपनी नई लिंक रोड आ गई है एंड इसमें कोई इजीली प्ले हो रही है। देखो ये देखो इजीली है और इसमें पूरी पैक्ड भी है, मतलब मेन इसकी रबड़ इसकी बंद होनी चाहिए पूरी ना। ये फिट हो गई, ठीक। अब इसको लगाते हैं। आई कितने की भैया हमारी है? 950 रुपये। ठीक है 950 रुपये की आइटम है, ठीक है। ज़्यादा महंगी भी नहीं, महंगी आइटम भी नहीं, और आवाज़ बंद हो जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया क्या है। अगर इसके बाद भी आवाज़ बंद ना होगी ना फिर तो फिर किस्मत बेकार है, किस्मत बेकार है, एक्चुअल में किस्मत बेकार होगी फिर मेरी, और जो कि मेरी किस्मत एक्चुअल में ख़राब भी चल रही है काफ़ी टाइम से। लेट्स सी, तो ये लग गई हमारी न्यू लिंक रोड, चेकआउट कर लो। ईजी इंस्टॉलेशन है एंड ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी नहीं है, और खर्चा भी इसमें कम ही होता है, 950 रुपये की तो है ही दोनों। चलो लग गई, अब इसको टायर लगा के अब उस साइड का भी करेंगे, उस साइड टूटी हुई है। चलो टूटी हुई है, देखो मेरी लिंक रोड यहाँ से टूट रखी है, अलग हो रखी थी, जंग पकड़ के बिल्कुल, जंग बिल्कुल एकदम जंग जंग लगा हुआ है। अंडर बॉडी कोटिंग करा लिया करो तभी कहता हूँ मैं, हमारी तो पुरानी गाड़ी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये रबड़ फट गई थी, ये यहाँ से टूट गई थी, ऐसे रही होगी ना, ऐसे ऐसे थी, देखो वो टूट गई। कितने पत्थर दिल लोग हैं, मतलब मेरी गाड़ी है पर स्टिल जंग वंग भी लग गया ना उसमें, इसकी ट्यूब फटी हुई नहीं थी देखो, लेकिन कह रहे यूज ही नहीं हुई होगी, ये फटी हुई यूज हो रही होगी इसलिए फटी हुई हो रहा होगा ना, ये लगा हुआ था वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा था, ऐसा होना चाहिए था इनको, है ना। मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ वो होगा ना ग्रीसिंग, हाँ अंदर ग्रीसिंग होगी, इसके अंदर प्रॉपर होगी, सील्ड है ना पूरा, इसके अंदर पूरी होगी, पूरी की पूरी घिस गया पूरा, ये घिस गया पूरा अंदर तक। पर मुझे अच्छी चीज़ क्या लगी, सस्ती आइटम है। चलो अभी ये महंगी आइटम होती तो फिर मैं खून क्या शुरू हो रहा होता यार, पर लेकिन ठीक है 950 रुपये तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके अंदर एक रोड और है, अगर ये उससे आवाज़ बंद नहीं हुई तो उसको देखेंगे क्या होता है। अब वो एक अभी नहीं कराऊंगा मैं, पहले रिसर्च करूंगा अच्छे से, इसके बाद कराऊंगा। बिना हमारी गाड़ी काम हो गए कभी, मैंने राउंड भी मार लिया एक, कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी के अंदर। देखो मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी, और मेन डर क्या, गाड़ी की आवाज़ एकदम साइलेंट में ख़राब रोड पर आ रही थी, पीछे से कहाँ से गाड़ी आ गई यार, पीछे करता रहा। ये देखो मैं गड्ढे वड्ढे से निकाल रहा हूँ उसको, कोई आवाज़ नहीं, साइलेंट हो गई, और कैसे पहले कैसे घर भर इरिटेट कर रही थी, देख रहे हो रास्ता भी खराब है थोड़ा। तो 950 रुपये दे के मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी को बहुत कम पैसों में ठीक करा लिया ना भाई, और क्या? सही बात है ना, नहीं तो जर्मन कार तो खून पीती है, सस्ते में काम हो गया। सही में, और पता है क्या, लिंक रोड ना इतनी महंगी आइटम नहीं है, पर वो जो इरिटेट करती है ना गाड़ी के अंदर कैबिन में जो आवाज़ करती है घर, उससे दिक्कत आती है। और मोस्टली बारिश के बाद अगर आपको आए ना ये चीज़ की इश्यू, नॉट इन जर्मन कार पोलो, हर गाड़ी में रहता है, उसके जो जॉइंट्स है उसके अंदर पानी जाके ना सारा ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, इसकी वजह से इश्यूज आते हैं, तो उसको करवा लेना आप काम को। चलो तो भाई यहाँ पे ना आगे रोड पूरी ख़राब है, देख रहे हो थोड़ी सी, मतलब पूरी क्या थोड़ी बहुत ख़राब है, तो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब कल इसी टाइम पे, मतलब अब ये लगाओ कि अगर ये गाड़ी ना, इसमें जो मैंने दिक्कत आपको सुनाई थी आवाज़ें वगैरह, वो सब इसके अंदर सब जा चुकी है, ठीक है। और गाड़ी चलाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, देखो स्पीड ब्रेकर से गई और उसमें क्या था कर, पर ये है कि देख रहे हो गड्ढे गुड्ढों में निकल रही गाड़ी, तो इसमें कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। पहले गड्ढों में घर पर की आवाज़ आने में लगी थी, देखो स्पीड ब्रेकर से, ठीक है। अब इसमें वो वाली नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पूरी वीडियो में ना आप लोगों ने देख ली होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितना चीप काम है। बट मैं स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको पता नहीं भूल गया कि ये मतलब इसका यूज़ क्या है। ये स्टेबिलिटी रॉड होती है लिंक रॉड बेसिकली, इसका काम क्या होता है, जब अपनी गाड़ी को आप टर्न पे मोड़ रहे होते हैं ना स्पीड में, तो ये आपकी गाड़ी को ना रोल होने से बचाता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपकी गाड़ी को स्टेबल रखता है, जैसे ये दोनों टायर की तरफ लगा है, एक रॉड हमारी फ्रंट से
दोनों टायरों के आपस में अटैच भी करती है एक रॉड, ठीक है। तो ये तीन रॉड होती है बेसिकली। तो इसका काम ये होता है कि जब आप शार्प टर्न ले रहे हो गाड़ी का, तो जो है आपकी गाड़ी को रोल होने से बचाए, ठीक है। बाकी ये बहुत सस्ती आइटम थी, आप भी अपनी गाड़ी में सीखे का अगर काम करवाना चाहते हो तो बहुत सस्ते काम में, सस्ते मतलब कम प्राइस में करवा सकते हो। अब पोलो का इंपोर्टेड मुझे लगा लो 950 रुपये का मिल गया, तो मारुति के तो मतलब वैसे सबसे सस्ते आते हैं पार्ट्स वगैरह, स्पेयर पार्ट वगैरह, तो उसके और सस्ते होंगे। अभी एक नहीं दोनों मेरे को मिल गए थे, एक तो मेरा ऑलरेडी टूटा हुआ था। इस नॉइज से ना बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, इरिटेट हो रखा था बहुत ज़्यादा, और मुझे पता था कि सस्ते में ठीक हो जाएगा, बट मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। अब फाइनली मैंने ये चीज़ करवा ली। तो अगर आपकी भी गाड़ी अगर बारिश के जस्ट बाद घर घर की आवाज़ कर रही है, तो मेक श्योर अपनी गाड़ी का लिंक रॉड जरूर चेक करवा लेना, या स्प्रिंग या शॉकर चेक करवाओ। लेकिन सबसे चीपेस्ट यही है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा नॉइज भी आती है इसको, इसके फटने से, क्योंकि इसके अंदर जो क्या होता है, जो मैंने आपको दिखाया था कि लिंक रॉड के अंदर जो इसका पैकिंग थी उसके अंदर लुब्रिकेंट होता है बेसिकली, तो अगर वो ख़राब हो जाए तो आपकी गाड़ी खस 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 कर 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 की आवाज़ करेगी, जो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है भाई। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी आगे गाड़ी में अगर कुछ दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इशूज़ में फेस करूँगा, तो आप लोगों का जरूर शेयर करूँगा अगर आप बोलते हो तो। और अगर आप लोगों की गाड़ी में कोई इशूज़ आ रहा है तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा कि भैया सब कोऑर्डिनेट करके आप लोगों को रिप्लाई में आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर वहाँ रिप्लाई नहीं कर पाया तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इसमें जाके आप कर लेना, मैं आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। चलो